नगर परिषद की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स के अनाप शनाप बिलों को लेकर लोगों में फैला रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। 10 साल पुराना प्रॉपर्टी टैक्स एक साथ वसूलना और उस पर 18% ब्याज की मांग को शहर के लोगों ने नाजायज करार दिया है। नाराज स्थानीय लोगों ने नगर परिषद कार्यालय के सामने धरना दिया। लोगों का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स के बिल लोगों के घरों पर चस्पाए जा रहे हैं, जिस तरह बैंक या कोर्ट के नोटिस चस्पाए जाते हैं। लोगों को अपराधी की श्रेणी में रखते हुए प्रॉपर्टी टैक्स के बिलों को दीवारों और दरवाजों पर चिपकाया गया है। शहर के वेदांत नगर में ऐसे ही नोटिस के खिलाफ लोगों ने नाराजगी जताई है। नगर परिषद के अधिकारियों ने जो हाउस टैक्स के ऊपर अनाप शनाप बिल भेज रखे हैं, लोगों के घरों के ऊपर नोटिस चिपकाए हैं, लोग क्या चोर हैं, इज्जत से इन्होंने घर घर बिल क्यों नहीं बांटे, जो लोग बिल भर रहे हैं उनको दोबारा बिल भेजे गए और 10 साल का 18% ब्याज लगाकर लोगों पर भेजा है। हमारी मांग है कि भी इनको बिल्कुल ब्याज को ख़त्म किया जाए और जिन आदमियों ने घरों पर नोटिस चेपे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और ये हमारी मांग है। निवर्तमान पार्षद युवराज छिल्लर ने बताया कि ये आम आदमी के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने टैक्स के बिलों को नोटिस की तरह चस्पाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही नगर परिषद की ओर से लोगों की मांग के अनुसार टैक्स के बिलों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे नप व सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।